गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास सेवन्थ के सेकंड चैप्टर जो फ्रैक्शन डेसिमल है उसकी एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से देखें और पूरी वीडियो देखें। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। माइकल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। माइकल ने इतना टाइम लिया है। वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। वैभव ने इतना टाइम लिया 3/4 आवर और माइकल ने इतना लिया है। हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा लंबा काम लंबे टाइम तक काम करा है, ये है पहला क्वेश्चन। बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, और कितने फ्रैक्शन से वो लंबे टाइम तक काम करता रहा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका एक्सरसाइज का 2.1 और क्लास सेवन और क्वेश्चन नंबर 8 हम अपना लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन में बात हो रही है टाइम, टाइम टेकन बाय माइकल, ठीक है। टाइम टेकन बाय माइकल टू कलर वो था 7/12 आवर, ठीक है। ऐसे ही टाइम टेकन बाय वैभव टू कलर पिक्चर था वो, ठीक है, कलर वो था 3/4 आवर, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन था हु वर्क लॉन्गर, अ लॉन्गर कंपेयर करना पड़ेगा उसके लिए, तो कंपेयर 7/12 है ये, बीच में बॉक्स बना रहा हूँ मैं साइन डालने के लिए, 3/4 है। अब इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमेटर को सेम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो ये यहाँ पर ये दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। तो 12 की मल्टीप्लाई इधर कर दो ऊपर नीचे, ईजी मैथड है। 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 7/4 जा कितना होता है 28 एट 12/4 जा कितना होता है 48, ठीक है। यहाँ पर भी 12/3 जा कितना था 36 और 12/4 जा कितना होता है 48 हमारा आ गया। अब देखो नीचे दोनों बराबर बराबर हो गए, यस और नो। अब ऊपर वाला कौन सा बड़ा, 36, मतलब कि ये बड़ा है, और ये किसका था 3/4 किसका था, किसका, वैभव का। तो हमारा आंसर आएगा वैभव वर्कड लॉन्गर टाइम। पहले वाले का आंसर है वैभव वर्कड लॉन्गर टाइम। अब वो पूछ रहे हैं कि कितना लॉन्गर, फ्रैक्शन में बताना है, ठीक है, फ्रैक्शन में बताना है कितना लॉन्गर वैभव वर्क लॉन्ग टाइम, तो उसका फ्रैक्शन निकालना है। जो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, अब वो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, जो ये है 3/4 में से कम वाला टाइम, क्योंकि माइकल ने कम टाइम लिया, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 3/4 माइनस 7/12, तो माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम मैं आपको लेना दिखा देता हूँ। यहाँ पर 4, 12 स्मॉल टेबल से स्टार्ट करना है, 2 के टेबल से 2 जा 4 और 2 6 जा, अगेन 2 के टेबल 2 1 जा और 2 3 जा। अब 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में 1 एंड 1, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 जा 4 4 3 जा 12, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। अब 4 के टेबल में 12 कितनी बार जाता है हमारा, 3 जा, तो ऊपर वाले नंबर से 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे करके। 12 के टेबल में 12 कितनी और 1 जा 1 की 7 से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। ऐसे करते करते ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -7/12। अब 9 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 2/12। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई, 2 1 जा एंड 6 जा और आर, ये कितना 1/6 हमारा आंसर आ गया। तो हम क्या कहेंगे, वैभव टुक 1/6 आर मोर देन माइकल, ठीक है। ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया है, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम और डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने एक एक स्टेप आपका एक्सप्लेन कर दिया, एलसीएम यहाँ ये वाला भी कर दिया, ओके। तो ये थी लास्ट वीडियो इस एक्सरसाइज की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा वीडियो और भी एक्सरसाइज के साथ। और ऑलरेडी मैं बहुत सारे चैप्टर्स डाल चुका हूँ अलग क्लासेस के, 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास के। आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स सब के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।